राजधानी पटना में एक युवक बजस्व बनाने को लेकर पिस्टल लेकर घूम रहा था। पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने उसे धर दबोचा। नमस्कार, मैं हूं चंदन तिवारी, आप देख रहे हैं NBC 24। पिरभौर थाना प्रभारी को सूचना मिला कि एक युवक नया गांव में दो हथियार के साथ घूम रहा है और कहीं ना कहीं वो इलाके में अपना वर्चस्व बनाना चाहता था। पिरभौर पुलिस ने तुरंत छापेमारी कर युवक को दो हथियार के साथ गिरफ्तार किया। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया और युवक की तलाशी के दौरान पुलिस को उसके पास से एक कट्टा, एक देसी पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस मिले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पिरभौर थाना प्रभारी ने बताया कि वो युवक पहले दिन में ई रिक्शा चलाता था और रात में अपना वर्चस्व बनाता था। फिलहाल पुलिस उसे गिरफ्तार करके मामले की छानबीन कर रही है। आइए सुनते हैं पिरभौर थाना प्रभारी क्या कुछ कह रहे हैं। वो व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति जो है हथियार लिए हुए घूम रहा है। जिस व्यक्ति ने देखा उसने गोपनीय तौर पर सूचित कर दिया पुलिस को। तत्क्षण पुलिस गई और पुलिस के पहुंचने के पश्चात ये वहां से रखना चाह रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे घेर के गिरफ्तार कर लिया और बाद में सर्च के दौरान उसके पास से 2 लोडेड हथियार मिला है, कमर में फंसा हुआ है। एक नलकटुआ जो है, देसी कट्टा जो होता है, वो 0.315 बोर का है, जिसमें जिसके साथ पाँच गोली थी, जो लोडेड हालत में गोली और 4 अलग से पॉकेट में। दूसरे पिस्टल में 2 गोली थी, 7.65 बोर की गोली है, जो मैगजीन वाला पिस्टल होता है जिसमें 10 राउंड गोली अटती है, वो है 7.65 बोर का है। उसको तत्क्षण वहाँ पे गिरफ्तार करके पुलिस ले आई है। पुलिस टीम के आवेदन के आधार पे जो है प्राथमिकी दर्ज कर इसे जेल भेजा जा रहा है। रखने का अपना रंग जमाना, रंगदारी स्थापित करना, यही उद्देश्य था। ये ई रिक्शा चालक है, बट यही होता है जो समाज में रंगदारी अपना स्थापित करना या भय बनाना अपना, ताकि बाद में इसका उसे कुछ लाभ मिल सके, यही था। क्या आपराधिक इतिहास भी है इनका? अभी तक हम लोग पता कर रहे हैं आपराधिक इतिहास संभवतः है, बट ऐसे आपराधिक केस में नहीं, शायद शराब वराब का कोई मामला है, बट अभी वो बहुत सत्यापित नहीं है। एक बार शराब के मामले में ये जेल गया हुआ है। खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24।